फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम भरवा बैंगन बनाएंगे। भरवा बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम 6 से 7 छोटे बैंगन लेंगे और बैंगन के बीच में थोड़ा सा कट लगा लेंगे। हम इसकी डंठल को नहीं काटेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरीके से बाकी बैंगन में भी कट लगा लेंगे। अगर आपको छोटे बैंगन ना मिले तो आप लंबे बैंगन को बीच में से काट कर फिर उसमें कट लगा सकते हैं। ध्यान रहे, भरवा बैंगन बनाने के लिए हम सिर्फ पतले बैंगन का यूज करते हैं, ज्यादा मोटे बैंगन का यूज नहीं करते। सारे बैंगन में कट लग चुके हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। मसाला बन गया है। अब मसाले को बैंगन के अंदर डाल लेंगे। इसके लिए एक बैंगन लेंगे और उसे थोड़ा सा खोल लेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही खोलेंगे। अब मसाले को बैंगन के अंदर भर लेंगे। मसाले को अच्छे से प्रेस करके भरेंगे। इसी तरीके से मसाले को सारे बैंगन में भर लेंगे। बैंगन में मसाला भर चुका है। अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग और 1 चम्मच जीरा डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब बैंगन को पैन पर रखते जाएंगे। एक साथ सारे बैंगन नहीं डालेंगे, एक एक कर ही रखेंगे। अब बैंगन पर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। और जो मसाला बच गया था उसको भी पैन में ही डाल देंगे। अब बैंगन को धीमी आंच पर ढककर पकने देंगे। हम इसे हर 2 मिनट के बाद खोलकर देखेंगे और फिर बैंगन को पलट देंगे, जिससे बैंगन हर तरफ से अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे खोलकर देख लेंगे। अब बैंगन को पलट लेंगे। दो चम्मच के हेल्प से बैंगन को पलट लेंगे। सारे बैंगन पलट चुके हैं।
अब इसे दोबारा से 2 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे दोबारा से खोल कर देख लेंगे और फिर से पलट लेंगे। बैगन को थोड़ा पलट कर फिर इसे प्रेस कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाए। हम इसे पूरा सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। अभी बैगन थोड़े टाइट है, इसलिए इसे दोबारा से ढक कर पकने देंगे। अब इसे दोबारा से खोल कर देख लेंगे। देखिए, बैगन थोड़े सिकुड़ गए हैं, इसका मतलब ये तैयार है। इसे चेक करने के लिए हम एक कलची लेंगे और बैगन को तोड़कर देखेंगे। देखिए कितने आसानी से टूट गया है, इसका मतलब ये तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे। भरवा बैगन बनकर तैयार है। आप इसे चावल या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।